दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस को कैसे ऐड किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस को हम तभी ऐड करते हैं किसी न किसी एप्लीकेशन का प्रोडक्ट बाय करते हैं, या नहीं तो किसी न किसी एप्लीकेशन का हम सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, उसी समय हमको गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस ऐड करना पड़ता है। आप तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनसे भी आप इन विभिन्न तरीकों से जो है पेमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है अपने गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पे सारा कुछ आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस को कैसे ऐड किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 रुपया ऐड किया हूँ और भी मैं ऐड कर सकता हूँ। आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस को ऐड किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर में मनी ऐड करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन का आप उपयोग कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम। तो हमारे पास अभी अवेलेबल है पेटीएम, तो हम पेटीएम पे क्लिक कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसका रिचार्ज वाले सेक्शन में आप जाएंगे। तो यहाँ पे हम पेटीएम से कर रहे हैं, रिचार्ज वाले सेक्शन में हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऑल सर्विस पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर, तो यहाँ पे देखिए गूगल प्ले रिचार्ज का एक ऑप्शन है, तो इस जगह क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप कितना अमाउंट यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर में कितना बैलेंस ऐड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 1200 इंटर करना चाहते हैं। तो ये इंटर करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है प्रोसीड टू पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है आप किस विधि से पे करना चाहेंगे, चाहे ICICI बैंक, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे मेरा लिंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसी से हम पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है अपना UPI पिन डाल देंगे। तो UPI पिन डालने के बाद यहाँ पे राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, तो गूगल प्ले स्टोर में ये बैलेंस मेरा ऐड हो जाएगा। अभी जो है प्रोसेसिंग ही हो रहा है, जैसे कि आप मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अब जो है सक्सेस हो चुका है और ये मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको ऊपर हम दिखा देते हैं। ये मेरा जो है गूगल प्ले स्टोर में देखिए रिचार्ज कोड जो है यहाँ पे 1200 का सक्सेस हो चुका है, ये मेरे रिचार्ज कोड है। उसके बाद चलिए हम आपको मैसेज में लेके चलते हैं। तो मैसेज में आया है कोड, यहाँ पे देखिए पेटीएम का आया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 1200 का जो कोड आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस यही है, यहाँ पे देखिए ये सब कोड ही है, तो इसको जो है हम कॉपी कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, या नहीं तो आप किसी भी जगह व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा यहाँ पे कोड है, इसको जो हम यहाँ पे जो फालतू का है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको भी हम कट कर देंगे जो फालतू का है, ये जो मेरा काम का जो है कोड है इसी को हम रखेंगे। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये आप किसी भी जगह कर सकते हैं, कोई ज़रूरी ना है। उसके बाद चलिए हम प्ले स्टोर पर आते हैं। प्ले स्टोर पे ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरह से प्ले स्टोर आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, या नहीं तो इसको नेम फ्री लाइन का एक ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रिडीम गिफ्ट कोड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए जो भी आपको कोड आया है मैसेज के द्वारा, 1200 का कोड जो आया है उसको यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हम पेस्ट कर चुके हैं, ये जो है कोड बस एक ही टाइम आपका वैलिड रहेगा, बार बार के लिए वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद रिडीम पे हम क्लिक करेंगे।
तो रिडीम पे क्लिक करने के बाद पहले मेरा 100 रुपया था, अब यहाँ पे 1300 रुपया हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कन्फर्म, देखिए मेरा 1200 का आ चुका है। उसके बाद हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद उसके बाद देखते हैं, इसके बाद नोट नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको पेमेंट दिखाते हैं फिर से। यहाँ पे गूगल प्ले जो है प्रोफाइल मेरा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे आ जाएंगे फिर से। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले 100 रुपया था, 1200 रुपया लोड किए, यानी कि 1300 रुपया हो गया। तो ये जो है 1300 रुपया हो गया। इसी तरीके से जो है आप जो है बैलेंस को जो है ऐड कर सकते हैं।